अजमेर के गंज थाने में टावर लगाने के नाम पर 3,71,000 की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने थाने पर प्रस्तुत होकर शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गंज थाने के एसआई श्यामलाल ने बताया कि बोराज क्षेत्र के रहने वाले 60 वर्षीय पाचू राम द्वारा थाने पर धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई गई है। पीड़ित ने बताया कि उसके पास अमित कुमार नाम के व्यक्ति का फोन आया था और उसने बताया कि वह टावर कंपनी एपीजे में कार्यरत है। उनकी बोराज स्थित जमीन पर टावर लगाया जाएगा, जिसका किराया भी उन्हें मंथली दिया जाएगा। इस संबंध में बातचीत करते हुए पीड़ित पाचूराम से रजिस्ट्रेशन के नाम पर तमाम कागजात मांगते हुए 2,450 रुपए डालने की बात कही और इसके बाद अलग अलग माध्यम से पैसों के ट्रांजेक्शन भी करवा लिया। ये सारे पैसे शंभू चौहान के खाते में डाले गए। अलग अलग माध्यम से कुल 3,71,000 का ट्रांजेक्शन किया गया है। इस संबंध में पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया है। 2023 को परिवादी श्री हरदेव पाचूराम पुत्र हरदेव उम्र 60 साल निवासी कुलियाना तहसील परवसर जिला नागौर हाल बोराज ने उपस्थित थाना होकर रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि ललन कुमार अमित कुमार कुशवाहा पुत्र ललन कुमार कुशवाहा ने मुझे फ़ोन करके कहा कि हमारी एबीजी टावर लगाने की कंपनी है जो टावर लगा रही है और टावर लगाने के लिए आप अपना जमीन की रजिस्ट्री है आपके डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आधार कार्ड है पैन कार्ड वगैरह ये हमें भेजे और रजिस्ट्रेशन के चार्जेज पे 2,250 रुपये लिए। फिर अलग अलग तरीके से कभी इंश्योरेंस के नाम से कभी TDS के नाम से और कभी मतलब और किसी नाम से पेनल्टी सिक्योरिटी के नाम से कुल मिला के 3,71,950 रुपये कोई शंभू चौपाल है उनके खाते में डलवा लिए अलग अलग समय अलग अलग करके। और आखिर में जब इसको पता लगा इसे संपर्क किया तो फ़ोन बंद कर लिया। आदि पर मुकदमा नंबर 266/23 धारा 436 में दर्ज कर अनुसंधान श्री बलदेव राम जी ASI साहब द्वारा किया जा रहा है। कंपनी का नाम है सर ABG टावर। ये सर इसकी जो ज़मीन है वो राज में वहीं लगाने की बात।